गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। और आज मैं हूँ जोधपुर में। आज हमारा डे वन है और आज के प्लान में है मेहरागढ़ फोर्ट देखना और जसवंत थाड़ा देखना। आज मैंने ज़्यादा कुछ प्लान नहीं किया है क्योंकि मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है कि इसमें देखने में कितना टाइम लगेगा इन दो चीज़ों में। अभी मैं हो गया हूँ रेडी और निकलता हूँ फोर्ट के लिए और मैं आपको डायरेक्ट फोर्ट पर ही मिलूँगा और एक्सप्लोर करेंगे साथ में। एंड नाउ आई हैव रीच्ड मेहरागढ़ फोर्ट। बहुत बड़ा फोर्ट है ये एंड अभी सुबह के 10 बजे हैं। क्राउड थोड़ा कम है जो कि मुझे लगता है सही है फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी मैं अंदर जाता हूँ एंड इस फोर्ट को एक्सप्लोर करता हूँ। अभी मैं हूँ फोर्ट के ऊपर जो कि मोर देन 100 फीट है और मैं यहाँ पे लिफ्ट से आया हूँ और इट इज़ द बेस्ट वे टू कम ऑन द टॉप ऑफ द फोर्ट। और मेरे एक साइड में जो कि ब्लू सिटी है यहाँ पे जोधपुर का, वो दिखता है, वो व्यू है। एंड मेरे दूसरे साइड पे जो है वो जसवंत थाड़ा दिखता है यहाँ से। इसके बीच में एक मंदिर भी है जो कि काफ़ी टॉप पे है, वो भी यहाँ से दिखता है। इट इज़ वेरी नाइस टू सी सच अ ब्यूटिफुल प्लेस फ्रॉम द टॉप ऑफ द फोर्ट। इट्स अ बेस्ट एक्सपीरियंस आई थिंक। एंड तभी मैं थोड़ा फोर्ट के अंदर जा रहा हूँ। और मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे ये सारी सिटिंग अरेंजमेंट बनी हुई है, जहाँ पे राजा और रानी जो होते थे वो एनिमल्स के ऊपर, आई मीन हाथी और घोड़े के ऊपर जो यूज़ करते थे बैठने के लिए और ट्रैवल करने के लिए, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये सब आई थिंक सिल्वर और वुड में क्राफ्टेड है एंड इट्स लुक लाइक अ वेरी रॉयल थिंग्स। एंड यहाँ पे कुछ अनदर वर्जन ऑफ पालकी है जो कि मैं बोलूँगा, क्योंकि ये पालकी वो लोग कैरी करते थे राजा रानी को जो सेवाकार थे। बिहाइंड मी इज़ अनदर ब्यूटीफुल पालकी विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास एंड मेटल एंड इट इज़ गोल्ड प्लेटेड और ये बहुत सुंदर है। और अभी मैं हूँ सीस महल के पास जो कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है और ये बहुत सुंदर है। इसके तीन दरवाजे हैं जो आप तीन दरवाजे से आप देख सकते हो इसको। और इसका जो व्यू आता है हर दरवाजे से वो बहुत ही सुंदर है, एक्चुअली देखने लायक है ये। और इस पार्ट ऑफ फोर्ट में आपको देखने के लिए मेरे ये सारे जो मेरे पीछे ये पोशाक हैं राजों रजवाड़ों के और महाराजों के, और इधर जो छोटे बच्चों थे राजो रजवाड़ों के, ये उनके पोशाक हैं। एंड नाउ आई एम मूविंग टू अनदर पार्ट ऑफ द फोर्ट एंड दिस इज़ अनदर येट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द फोर्ट। और मैं हूँ अभी फूल महल के पास जो कि इंटरटेनमेंट पर्पज़ से बनाया गया था राजाओं के लिए। और इसकी जो पेंटिंग है और जो इसकी जो क्राफ्टिंग है, ऐसा बोला जाता है कि ये गोल्ड प्लेटेड से पूरा बना हुआ है और ये देखने में भी काफ़ी गोल्डन टाइप दिखता है ये। और इसमें जो शीशे लगे हुए हैं वो बहुत ही कलरफुल है जो कि इस पार्ट को बहुत ही ब्यूटीफुल बनाते हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट कॉर्नर ऑफ द फोर्ट आई कैन टेल यू, बिकॉज फ्रॉम हेयर यू कैन सी द उमेद भवन वेरी क्लियरली एंड जो सिटी का व्यू है वो भी बहुत अच्छा दिखता ही है, साथ में उमेद भवन जो है वो बहुत क्लियर दिखता है। और ये जो कॉरिडोर है, एक छोटा सा कॉरिडोर है, बट ये फोटो के लिए और इंस्टाग्राम के लिए बहुत फेमस हो सकता है। तो अजीत सिंह जी ने बहुत सालों तक रक्षा करी और मारवाड़ भी रक्षा करी। इन टाइम औरंगजेब बुलाओ भेजो कि दुर्गादास थे, एक काम करो कि मारे सामने शामिल हो जाओ और आप मिलने बहुत कुछ करो। लेकिन दुर्गादास जी ने स्वीकार नहीं किया। दुर्गादास जी कहो कि नहीं, मैंने मारो देश प्यारा है और विनय प्यारा है, मारो राजा और हमारा राज्य और विनय प्यारो है अजीत सिंह। उल्टे
है जो अच्छी एक कहाँ अच्छी एक बात भी लिखी हुई है दो भी है कि जसवंत कियो जो है कोई गट रखवाड़ो दुर्गड़ो आछी की नहीं सो है कोई आछी आस करना मत। थैंक यू भरत सिंह राजपुरोहित। और ये जोधपुर से ही है और ये इनका जो इंस्टा पेज है वो जोधपुर इंस्टाट भंडार के नाम से। और वैसे मारवाड़ी लैंग्वेज कहो या फिर राजस्थानी लैंग्वेज कहो अगर आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। राजस्थानी में कुछ बातें जाननी हो और ऐसा लगता होगा ना कि भाई राजस्थानी में कुछ बातें नहीं समझ आएगी तो आप अगर वहाँ पे कुछ कुछ भी सुनेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। चाहे आप कोई सी भी लैंग्वेज में आप सुनते हो किसी भी चीज़ों को लेकिन अगर राजस्थान में कुछ अच्छी चीज़ों को और राजस्थान को जानना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टा पेज को विज़िट कर सकते हो। और इस फोर्ट की काफ़ी हिस्ट्री है तो आप किसी भी एरिया में आप जाओगे कुछ ना कुछ आपको हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे एग्जीबिशन में लगा हुआ है मतलब रखा हुआ है। तो अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप आराम से यहाँ पे आके पूरा एक दिन एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको सही में जानकारी चाहिए और आप जानना चाहते हो हिस्ट्री ऑफ मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में और यहाँ के राजाओं के बारे में तो एंड आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोर्ट विच आई हैड एवर सीन। मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है फोर्ट घूमने का, मैं बहुत कम ही फोर्ट वोट जाता हूँ घूमने के लिए बट ये फोर्ट आके मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है और एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ से जो व्यू है सिटी का वो बहुत अच्छा है और जो कि आपको हर इस फोर्ट के हर पार्ट से आपको देखने के लिए मिलेगा। राइट नाउ आई एम एट अनदर ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द फोर्ट जो कि एक वाइट कोर्टयार्ड है और इस कोर्टयार्ड में जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं इतना बारीकी से काम किया गया है यहाँ पे कि आज के डेट में मुझे लगता है ये बहुत ही नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। और ये पता नहीं उस ज़माने में कैसे बनाया गया होगा और कितना टाइम लगा होगा इसको बनाने में क्योंकि यहाँ पे मैं खुद सरप्राइज हूँ देख के कि ऐसी कार्विंग और ऐसा आर्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और ये है क्राफ्ट बाज़ार जहाँ से आप कुछ ऑथेंटिक जोधपुरी जो चीज़ें हैं वो आप ले सकते हो और अपने साथ लेके जा सकते हो। और यहाँ से जब आप निकलते हो तो यहाँ से राइट हैंड साइड में एक मंदिर है और इस फोर्ट को लेकर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा था। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया ये जोधपुर में घूमने के लिए और इस फोर्ट में तो मैं पहली बार आया हूँ तो काफ़ी अच्छा था। हिस्ट्री को लेके मैंने थोड़ा देखा भी और पढ़ा भी तो काफ़ी कुछ पता है हिस्ट्री में जो आपको इस फोर्ट में आने के बाद जो नहीं जानते उनको पता चलेगा। और अगर आपके पास बहुत टाइम रहता है तो आपके लिए और भी अच्छा है यहाँ पे आप एक एक चीज़ को पढ़ सकते हो उसके बारे में जान सकते हो। एंड जो ये फोर्ट है वो काफ़ी व्यू से मैसिव है तो अगर आप विंटर में आते हो तो विंटर काफ़ी अच्छा टाइम है इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं अभी इस फोर्ट को यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एक मंदिर है और अभी मैं हूँ दुर्गा माँ मंदिर के पास और ये फोर्ट के अंदर ही बना हुआ है और यहाँ पे काफ़ी मान्यता था पुराने ज़मानों में भी और आज भी लोग यहाँ पे आते हैं और पूजा करते हैं। जो भी इस फोर्ट में आता है एक्चुअली आता है यहाँ पे घूमने के लिए पूजा करने के लिए और आशीर्वाद लेने के लिए। और इस मंदिर से नीचे भी एक मंदिर है जो यहाँ से दिखता है और यहाँ से जो व्यू है ब्लू सिटी का वो बहुत ही अमेजिंग है। और इस मंदिर के परिसर में आपको एक कुंड भी देखने के लिए मिलेगा जो कि अभी बिल्कुल ड्राई है, अभी विंटर सीजन है और ये ड्राई है। और जो मेरे पीछे है ये है बहुत सारा कैनियन रखा हुआ जहाँ से मे बी इस फोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया गया हुआ यहाँ से। और मेरे दूसरे साइड पे जो है वो माता का मंदिर है जो कि यहाँ से उसके लिए आपको नीचे से जाना पड़ता है वहाँ पे उस मंदिर के। एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लॉन एरिया जहाँ पे कुछ कल्चरल म्यूजिक आपको प्ले करने वाले मिलेंगे और कुछ कुछ सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ बना हुआ है जो कि रिलैक्स करने के लिए बहुत अच्छा स्पॉट है। यहाँ पे बहुत सारी ट्रीज भी है तो इनके जो शेडो हैं वो आपको काफ़ी रिलैक्स करेंगे अगर आप गर्मी में आते हो। इवन विंटर में भी आते हो इस फोर्ट को घूमते घूमते आप इतना थक जाओगे यहाँ पे आके आप थोड़े टाइम रिलैक्स कर सकते हो। और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये ह्यूज जो बर्तन आप बोल सकते हो टेंसिल बोल सकते हो उस ज़माने के जिसमें आदमी दो तीन आदमी आराम से समा जाए इतने बड़े ये
यूटेंसिल है जो कि खाना बनाने के लिए यूज़ किया करते थे। और जब मैंने एंट्री ली थी इस फोर्ट में तो यहाँ पे दो रास्ते हैं जाने के लिए। एक, अगर आपने लिफ्ट का पेमेंट किया हुआ है या अगर आपने लिफ्ट चूज़ किया है तो आप इस साइड से जा सकते हो, और अगर आपके पास सिर्फ फोर्ट घूमने का टिकट है तो आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक जो दरवाज़ा है यहाँ से आपकी एंट्री होती है। और इस फोर्ट से कर रहा हूँ मैं एग्ज़िट, और मैं जा रहा हूँ अभी जसवंत थाड़ा घूमने के लिए जो कि नेक्स्ट टू मेरानगढ़ फोर्ट है। Now I have reached the Jaswant Thada and it serves as a cremation ground for the Royal Rajput family of Marwar. ये भी एक iconic place है। अगर आप यहाँ पे मेहरानगढ़ फोर्ट आते हो देखने के लिए तो ये प्लेस भी विजिट करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो जसवंत थाड़ा है इसमें जो मार्बल यूज़ किया गया है ये सेम मार्बल है जो ताजमहल में यूज़ किया गया है। एंड जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है एक ब्यूटीफुल लॉन और बहुत सारे पेड़। यहाँ पे जो पीछे है वो एक स्टैचू है, और वहाँ से जो मेहरानगढ़ फोर्ट है वो सामने है, स्टैचू के सामने दिखता है। एंड यहाँ पे एक लेक भी है जो कि अभी भी जिसमें पानी है, और काफ़ी बड़ा लेक है। और ये जो पूरा एरिया है ये मेहरानगढ़ फोर्ट का जो वॉल है, जो रियल वॉल है, ये उसके अंदर ही पूरा एरिया में ये आता है। एंड दिस इज़ हाउ जसवंत थाड़ा लुक लाइक फ्रॉम इन साइड। एंड यहाँ पे जितने भी ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट्स हैं ये राठौड़ मारवाड़ के हैं जो यहाँ पे एक टाइम में अपने पीरियड्स में यहाँ पे रूल किया करते थे। उन सभी की पोर्ट्रेट, ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट मैं बोलूँगा, यहाँ पे वॉल्स पे सभी लगे हुए हैं। तो आप जब आओगे जसवंत थाड़ा तो आपको ये देखने के लिए मिलेगा। आप इसके अंदर ज़रूर आना, यहाँ से आपको और भी हिस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिलेगा। राइट नाउ आई एम एट 2G का झालरा बावड़ी के पास। एंड ये जो जगह है ये सिटी के बीचों बीच में है, घंटाघर से बहुत ही नज़दीक में है। तो आप कोई भी अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आ सकता है देखने के लिए। ये एक स्टेपवेल है जो कि 1740 में बना था, एंड इसको बनाने वाली जो थी वो रानी थी अभय सिंह की, तो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है। ये एक्चुअली बनाया गया था जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है सिटी को सप्लाई करने के लिए, आम पब्लिक के लिए, उसके लिए। एंड नाउ वी आर एट जिप्सी। आई केम हियर फॉर द राजस्थानी थाली बिकॉज इट्स वेरी फेमस हियर इन द जोधपुर। देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु सजेस्टेड अस to go to Gypsy for the famous Rajasthan Thali.